Powered Seven Cross Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up Bay. अब वक्त है महिलाओं त्रिपेन अहो किलोग्राम वर्ग की कुश्ती का। रेवांता मुंबई गुरुड़ा की ओर से आ रही है नाइजीरिया मूल की ओदू नायो आदे रोये। Powered by Thumbs Up Bay, GSW, Bengaluru Yodhas की ओर से आ रहे हैं भारतीय मूल की ललिता श्राव। बेंगलुरु योद्धा की तहाड़ है, जोश का पहाड़ है, राज है कहाड़ पे, हम पुरंदर योद्धा। बुद्धि बल का खान है, बाहुबली बलवान है, सूरमा है साहसी, हम पुरंदर योद्धा। हुर्रिया का पहाड़ पे, हम पुरंदर योद्धा। कैटेगरी का ये मुकाबला और सामने है रिवांताज मुंबई गरुड़ा की तरफ से डांसिंग रेसलर नाइजीरिया की ओडनायो आदे कुरेयो और उनका मुकाबला करेंगी ललिता श्रावत। लेकिन ये भी सच है कि ललिता के लिए पिछला मुकाबला ओडनायो से बहुत खतरनाक हुआ था। तकनीकी फॉल का खतरा उस पर मंडरा रहा था और टेक्निकल फॉल से जीती थी और यहाँ भी उन्होंने वही इरादे जाहिर किए। लेग अटैक में बहुत ही सिद्धस्त मानी जाती है और जब लेग अटैक करती है तो उसके बाद जो फीतले बांधती है वो काबिले तारीफ होता है और इस मुकाबले को धीरे धीरे करके एक तरफा बनाती हुई और 4-0 की बढ़त। मनोज, दर्शकों में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कितने सेकंड तक ओडनायो का मुकाबला कर सकते हैं उनके ओपोनेंट। और याद रखिए जो पिछला मुकाबला हुआ था दोनों ही रेसलर्स के बीच में 10-0 से जीता था ओडनायो ने, तो एक तरफा मुकाबला हमेशा मानसिक तौर पे वो दबाव रहता है जब हम ऐसे हारे हो, जो आपके जहन में रहता है। जी बिल्कुल, और पहले 30 सेकंड में ही 4-0 की बढ़त ओडनायो के खाते में हो चुकी है और ललिता श्रावत हम कह रहे थे कि कुछ अलग करना होगा उन्हें, लेकिन फिलहाल कोई भी स्ट्रेटेजी लगता नहीं है कि उनके पास है। ललिता ने शुरुआत में स्ट्रेटेजी में परिवर्तन जरूर किया था, पांव को बिल्कुल जैपनीज स्टाइल में कोई पैंतरे का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वही अपना मौका ताड़ा था ओडनायो ने और कैरी पट करने के साथ ही पीछे आने की जद्दोजहद, लेकिन अच्छी ग्रिप ललिता की। या अभी तक ऐसा लग रहा है डिफेंस बरकरार है, पर टेक डाउन करने का प्रयास और अब ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, यहाँ पे अंग मिलेंगे ओडनायो को, मुश्किल में है, बहुत कठिनाई में है, यहाँ से उभरना बहुत कठिन। जी हाँ, ललिता के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो पहला राउंड भी सर्वाइव कर ले, क्योंकि 8-0 की बढ़त और लगता है कि ये मुकाबला अब समाप्त, 10-0 खत्म। और ऐसा लग रहा है प्रीति की खिलवाड़ किया है एक, मतलब टॉइंग करते हुए पहले ही दबदबा बना के रखा, वापसी का कोई मौका नहीं, अवसर नहीं दिया और एक तरफा मुकाबला ये। मैं तो ये कहूंगा कि जो पिछला मुकाबला था उससे बिल्कुल सीखा नहीं ली, कोई सीख नहीं ली ललिता शेरावत ने, वहां भी इसी तरीके से उन्होंने अपना लेग जो है जाने दिया था और अच्छी पकड़ के साथ उन्होंने फीतले बनाए और यहां भी फीतले की स्थिति और एक ग्रिप के साथ ही उन्होंने मुकाबले का समापन कर दिया। Well, of course, I have Ordinayo with me. What a victory and what a celebration. I have to ask you one thing. Before you start playing the match, you always sing. Is that because out of stress? Or you're pepping yourself up? What is the reason? It's just a way of motivating myself and giving God the glory that He has sent me here to perform and I'm ready to serve Him. And when you win, is that a different song that you sing? Yeah. It's just a praises. It's just a song of victory. Like today, my God was born to this world. Merry Christmas! Yeah. Would you like to wish our viewers Merry Christmas? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And God has.